Hey guys, welcome back to another vlog. स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में. तो गाइज फाइनली आज हमारी बाइक की जो नंबर प्लेट है वो आ चुकी है. एंड भैया का भी मेरे पास कॉल आया था कि आप आके अपनी जो बाइक की नंबर प्लेट है वो लगवा लो. एंड ऑलमोस्ट गाइज हमें 2 महीने हो गए नंबर प्लेट अभी तक तो हमने लगवाई नहीं है. एंड 2 महीने के बाद हमारी नंबर प्लेट आई है. तो आप देख सकते हो ये खड़ी अपनी वैनम. तो चलो यहाँ से निकलते हैं पहले यामा के शोरूम के लिए एंड वहाँ पे जाके नंबर प्लेट लगवाते हैं एंड भैया से बातचीत करते हैं. एंड बोलते हैं उनको काफ़ी टाइम हो गया आपको नंबर प्लेट नहीं आपने दी एंड इतना टाइम थोड़ी ना कोई वेट करता यार. एंड ऑब्वियसली बात है पुलिस वाले भी नहीं वेट करते हैं. पुलिस वालों ने भी 2-3 बार मेरे को रोका है बट TRC होने की वजह से थोड़ी रिक्वेस्ट करने की वजह से उन्होंने मुझे छोड़ दिया है. तो चलो गाइस निकलता हूँ मैं पहले सीधा यामा शोरूम की तरफ एंड मिलता हूँ आपको बाइक के ऊपर. तो गाइस अभी आ चुके हम अपनी बाइक के ऊपर रैंडम के ऊपर एंड अभी हम जा रहे हैं गाइस शोरूम में. एंड शोरूम में जाके करते हैं जरा बाइक से बात कि यार इतना टाइम हो गया जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ऑलमोस्ट 2 मंथ तो गाइस हो ही चुका है मेरे को. अभी तक मेरी नंबर प्लेट जो थी वो आई नहीं थी एंड पुलिस वाले भी गाइस इतना वेट नहीं करते हैं यार. 2-3 बार उन्होंने मेरे को रोका है पूछा है एंड चलो थोड़ी सी रिक्वेस्ट करी है तो उन्होंने मेरे को छोड़ दिया है. एंड काफ़ी लंबा टाइम हो गया. एंड ये सिर्फ इशू जो है ना गाइस ये मेरे साथ ही नहीं आ रहा, ये और भी यामा के जो जिन्होंने यामा की बाइक ली हुई है ना बंदों ने, मैंने उनसे भी मैंने बात करी थी तो उन्होंने भी मेरे को सेम यही चीज़ बताई कि यार ऑलमोस्ट काफ़ी 2 महीने के बाद ही बाइक जो नंबर प्लेट है वो आती है स्पेशली फॉर यामा. ये यामा की बाइक के लिए दिक्कत ही है नंबर प्लेट का. एंड बाकी अदर जो बाइक रहती है ना उनका जो नंबर प्लेट होता है वो आ जाता है, मतलब कि टाइम पे ही आ जाता है. बस यामा की जो बाइक है ना उसमें थोड़ा सा इशू रहता है. तो चलो भाई सीधा आपको मैं ले चलता हूँ सीधा यामा के शोरूम में, वहीं पर जाके आपको मिलता हूँ. यहाँ से पहले निकलते हैं फटाफट शोरूम के लिए गाइस. तो गाइस फाइनली अभी पहुँच चुके यामा के शोरूम में. ये आप देख सकते हो ये सामने शोरूम है, यहाँ से हमने बाइक ली थी. एंड चलो चलते हैं भैया के पास एक बार बात करते हैं नंबर प्लेट के लिए. नंबर प्लेट यार नहीं दी इन्होंने, भैया का फ़ोन भी आता वैसे तो नंबर प्लेट के लिए. एक बार लगाते हैं बाइक अपनी साइड पे, यहाँ पे लगाते हैं यार. क्या हाल है भैया? बढ़िया, बस बढ़िया. नंबर प्लेट आई थी यार इसकी अंदर. कैसे भैया? बिल्कुल बढ़िया जी, और बताइए. बस बढ़िया बढ़िया ठीक ठाक. और नंबर प्लेट आई थी? नंबर कैसे भैया? चलो भाई बस बढ़िया जी. क्या हाल है सर? बढ़िया जी बढ़िया. बताएं कैसे? बढ़िया नंबर बताएं जी. वो एक्चुअली आपका देखा है ना जी, ये खावा मुझे लगता है. मैंने कहा शायद इलेक्ट्रिक वाले भी चला के नहीं नहीं यामा का आता है ना टीम में तो आएगा. और बताइए कैसी गाड़ी चलती है? मस्त चलती है. क्या नंबर आया था आपका? 8105. हाँ 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 अभी बात करते हैं. हाँ सुबह संदीप भास्कर के नाम से कंपनी 2 साल की वारंटी देती है बैटरी की. 2 साल बाद आप तो मान लो आपने जैसे EMI पे स्कूटर लिया सपोज करो ये कहाँ लगेगा? ये नीचे आप गार्ड साहब को बोल देना वो लगवा दे. फिर आपको 75,000 पे करना. राइडर ने हमें 50 का भी दिया, 52 और 57 का भी दिया. उसके बराबर जो है मूस्टर वो भी ले जा रहा है. माइलेज कितनी है? तो उन्होंने फीचर्स वाइज थोड़ा के इसे ग्राफिक्स चेंज किए हैं. ये देखो ठीक है. ओके ठीक है. और नीचे देना ना गार्ड को. ठीक है गाइस नंबर प्लेट हमारी आ चुकी है. ये नंबर अपनी बाइक का HR26FF8105. ये नंबर प्लेट है दोनों आगे की ये पीछे की एंड जिसका कवर है. गार्ड भाई ये लगवा दो यार नीचे जाकर उनको बोलिए नंबर प्लेट लगा दें. वो लगा देंगे. चाबी दे दो गाड़ी ला दे रहा हूँ. गाड़ी ये रही मेरी. नीचे लेके आनी पड़ेगी क्या? गाड़ी नीचे लानी पड़ेगी. कहाँ रखते हैं ये रही. तो गाइस सभी जाना पड़ेगा अपने को नीचे एंड बाइक को दिखाना पड़ेगा नंबर प्लेट लगाने के लिए बोलना पड़ेगा यार. अभी चलते हैं मिलवाते हैं आपको सी भैया से कूलेंट वाले से अगर मिले तो यार.
भैया नंबर प्लेट लगवानी है, रख दीजिए। देख सकते हो यहाँ पे अदर बंदों के साथ भी वही सेम इशू है जो उस दिन हमारे साथ आया था। ऐसा भी लगने जा रही है नंबर प्लेट, तो इसको पहले उतारना ही पड़ेगा यार, इसको टेप से जोड़ रखा है पूरा ही। भाई ऊपर आप ही हो? हाँ जी, ऊपर नंबर प्लेट का कवर देगा वो। दे दिया ले आया। हाँ वो दोनों ले आया मैं, दोनों चीज़ें। इसको खानना पड़ेगा यार पहले गाइस, इसको ज़रा पूरा पहले उतारना पड़ेगा इसको। मैंने टेप से जोड़ रखा था इसको 2 महीने तक अपना। ये देखो ये फ्लावर लगा हुआ था इसके ऊपर, ऐसे ही चल रहा था जैसे नहीं हो, थोड़ा लगेगा पुरानी है। कितनी पक्की टेप जोड़ रखी, एक घर गए थे ना ये तब भी जोड़ी थी यार, तो एक बार उतर गई थी ये तब जोड़ी थी कि उतरे ना बार बार, फिर रास्ते में कहीं उतर गई तो दिक्कत हो सकती थी ना। पीछे तो अपना पूरा ही कवर है, पीछे भी ये देखो क्या लगा रखा है मैंने टेप को। MT50 नया मॉडल निकाल दिया मैडम ने, MT R15। ये कैसी लग रही है बिना नंबर के यार, बिल्कुल बेकार लग रही है अभी तो। ये ड्रिलिंग का काम हो रहा है इसमें, पीछे पैसा भी लगने जा रही है नंबर प्लेट बाइक को। भाई एक बार देना, एक फोटो ले लिया थंबनेल के लिए। थंबनेल के लिए अभी फोटो ले लिया अपन ने। ये भैया बोल रहे हैं उनको सिखाने के लिए उनको सिखाने के लिए बोल रहे हो कोई तरीके से लगेगी कुछ कोई दिक्कत नहीं, गलत लग जाएगी तो लग जाएगी, फिर उसमें क्या ही डालना यार। कोई दिक्कत नहीं, हिल जाएगी तो फिर लगवा लेंगे यार, उसमें क्या ही कर सकते हैं। देख नहीं रहे, क्लच डाल रहा हूँ मैं, डाल दूंगा निकलवा दो यार इसको बाहर, तुम्हें एक्सपीरियंस है निकालने का।
तो बाहर ही गाइस फाइनली अभी लग चुकी है अपनी बाइक का नंबर प्लेट एंड आपको लुक चेक कराता हूँ बाइक की, क्या लुक है जरा। अरे कपड़ा उठा ले रे अजम, मैं तो क्या फिटिंग करी है यार है? फिटिंग तो मस्त करी है ना, पंचिंग करी है। ये अपनी लुक देखो आप एक बार, बाइक की लुक चेक करो नंबर प्लेट से पीछे वाली, एंड फ्रंट से भी आपको दिखाता हूँ जरा मैं। नंबर प्लेट बड़ी लेट आती है यार, ये फ्रंट की लुक चेक करो है, मैं कह रहा हूँ नंबर प्लेट बड़ी लेट आती है, 2-2.5 महीने बाद आई है। तो बस सर जी जा ही रहे हैं बस है? दिवाली का छुट्टी रहता है ना। अच्छा अच्छा चलो कोई नहीं यार, चलो ठीक है। तो गाइस आप लोग देख सकते हो फाइनली अभी देखो नंबर प्लेट भी लग चुकी है हमारी, ये फ्रंट का कुछ व्यू है, इस तरह का व्यू है फ्रंट का, एंड बैक का जो व्यू है वो इस तरह का हमारे बैक का व्यू है, आप देख सकते हो नंबर प्लेट तो बिल्कुल जेन्युइन लगाई है। एंड गाइस मैं आ ही रहा था तो रास्ते में मैंने सोचा चलो बाइक को एक बार धुलवा भी लेता हूँ, क्योंकि फिर पूरे हफ्ते हमें ऑफिस भी जाना है तो फिर टाइम नहीं लगेगा। तो मैंने देखा इस बाइक भी मैंने धुला लिया है, धोने के बाद देखो बाइक का लुक कुछ इस तरह से आ रहा है अपनी बाइक का, एंड नंबर प्लेट के बाद तो कुछ इस तरह से एकदम मैं कह रहा हूँ बिल्कुल जेन्युइन सी लग रही है अपनी बाइक। एंड काफ़ी टाइम के बाद नंबर आया, 2-2.5 महीने के बाद हमारा नंबर आया, तो बाइक को बोला था कि नंबर इतना लेट क्यों आया है, तो उन्होंने बता दिया सारी बात, कैसी सी बात थी, नंबर प्लेट जो थी वो थोड़ा आरटीओ का थोड़ा सीन था, यानी कि सैटरडे संडे कुछ दिवाली वाला मन था ना, तो वहाँ पे इसी वजह से लेट आई है। तो उन्होंने बताया कि जो दिवाली का मन था तो अक्टूबर मन था, तो उसी वजह से काफ़ी थोड़ी छुट्टियाँ थी एंड इसीलिए नंबर प्लेट लेट आई है गाइस। तो चलो गाइस यहाँ से अभी हम लोग निकलते हैं अपने घर की तरफ, एंड ब्लॉग को करते हैं, वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म, एंड मिलता हूँ गाइस आपको मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, एंड तब तक के लिए गाइस बाय बाय, सब लोग अपना ध्यान रखो, एंड ठंड हो रही अभी तो ठंड से बचा रखो, क्योंकि अभी ठंड का महीने स्टार्ट हो गए, तो ठंड से सब लोग अपना बचा रखो, एंड राइडिंग बिल्कुल सेफली राइड करो, हेलमेट पहनो एंड सेफली ड्राइव करो गाइस। चलो गाइस करते हैं वीडियो को यहीं पे एंड, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।